नमस्कार दोस्तों, मैं सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं श्री नाजी एस्ट्रोलॉजी में। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे उन 7 संकेतों के बारे में जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हनुमान जी की विशेष कृपा हमारे ऊपर पड़ रही है, हनुमान जी विशेष रूप से हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो इन 7 संकेतों के ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर इन 7 संकेतों में से आपकी जिंदगी के अंदर कुछ संकेत भी हैं तो आप ये यकीन मान लीजिए कि हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर पड़ रही है और हनुमान जी कहीं ना कहीं हर परेशानी से आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं और पहले संकेत की बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम पहले संकेत की बात करें तो देखिए, अगर आपके अंदर 7वें गुण बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए हैं, अगर आप अपने अंदर ऐसा महसूस करते हैं कि आपके अंदर जो 7वें गुण हैं, 7वें गुण काफी ज्यादा आपके अंदर बढ़ने लग गए हैं, तो इससे हम ये मान सकते हैं कि हनुमान जी जो है उनकी कृपा हमें प्राप्त हो रही है। अब देखिए, आपकी अगर जो संगत है, अगर आपकी संगत में जो पहले आपके दोस्त थे वो उतने अच्छे दोस्त नहीं थे, या आपके साथ जो दोस्त थे वो उनकी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, वो बुरे काम करते थे, लेकिन अभी आपकी पूरी संगत पूरी छूट चुकी है, तो भी आप ये समझ सकते हैं कि हनुमान जी की जो कृपा है आपको प्राप्त हो रही है। अगर आपको कोई भी आपको पान मसाला खाने की आदत थी, आपके जान पहचान में कोई ऐसा है जो शराब सिगरेट तंबाकू वगैरह खाता था पीता था और वो आदत उसकी धीरे धीरे छूट रही है, तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं हनुमान जी का मदद उसे मिल रही है। इसके साथ ही साथ में अगर हम ये भी बोलें कि अगर आपके अंदर से देखिए जो तामसिक गुण है वो कम हो रहे हैं, और तामसिक गुण कम होने के साथ साथ अगर आपके 7वें गुण आपके अंदर बढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको पहले आलस बहुत आता था लेकिन अभी आपको आलस आना कम हो गया है, पहले आपको छोटी छोटी बातों पे काफी ज्यादा आप सुस्त हो जाते थे लेकिन अभी आपकी सुस्ती खत्म हो गई और ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो भी आप ये मान सकते हैं कि हनुमान जी जो है वो कहीं ना कहीं आपकी रक्षा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पहला संकेत हो गया हमारा। अभी देखिए दूसरे संकेत की बात करते हैं। तो देखिए दूसरे संकेत की बात करें तो देखिए, जो अगर हम ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमारे सपने होते हैं वो कहीं ना कहीं हनुमान जी के साथ में कनेक्शन उनका होता है। तो अगर आपको सपने में हनुमान जी दिख रहे हैं या आपको सपने में कभी हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, तो भी हम ये मान सकते हैं कि हनुमान जी जो है कहीं ना कहीं आपकी रक्षा कर रहे हैं। अब आपको सपने में हनुमान जी भी दिख सकते हैं, या फिर सपने में हो सकता है आपको हनुमान मंदिर दिख जाए, सपने में आपको कोई साधु संन्यासी दिखे जो इसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे हों, तो इस तरह के अगर संकेत आपको मिलते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हनुमान जी हैं उनकी आपकी रक्षा वो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो हनुमान जी हैं वो आपसे काफी ज्यादा प्रसन्न हो चुके हैं, आपके ऊपर कृपा वो बरसा रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे संकेत की बात करते हैं। तो देखिए, ऐसा अक्सर काफी लोगों में देखा गया है कि जो हनुमान जी होते हैं वो उनकी अगर कृपा उन्हें मिल रही होती है तो अपने आप ही उनके अंदर हनुमान चालीसा का पाठ होना शुरू हो जाता है, जैसे कि वो अपने आप ही बैठे बैठे हैं तो उनके मन के अंदर में हनुमान चालीसा की जो चौपाइयां हैं वो चलनी शुरू हो जाती हैं, या कहीं पे अगर रात में सो रहे हैं तो सोते सोते उनके मन में हनुमान चालीसा की चौपाइयां चलने लग जाती हैं। तो अगर अपने आप ही हनुमान चालीसा की चौपाइयां चल रही हैं आपके मन के अंदर, तो भी इससे हम ये मान सकते हैं कि हनुमान जी की जो कृपा है वो आपको प्राप्त हो रही है। हमने देखी 40 डेज का हनुमान चालीसा पढ़ने का चैलेंज स्टार्ट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आप वो 40 डेज का हनुमान चालीसा चैलेंज ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ 40 दिन हनुमान चालीसा पढ़िए, डेफिनेटली आपको उसका लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम आपके लिए और लेकर आ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर हम चौथे संकेत की बात करें तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि इंसान को भय बहुत ज्यादा होता है, डर बहुत ज्यादा लगता है। अब आपका अगर डर खत्म होने लग गया है, आपका जो भय है वो खत्म होने लग गया है, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी आपकी काफी ज्यादा रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हनुमान जी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं डर को दूर भगा देते हैं। अब हनुमान जी ज्योतिष में बात करें तो मंगल को डिनोट करते हैं, मंगल कहीं ना कहीं बहादुरी के कारक होते हैं। तो अगर आपके आपका डर खत्म हो रहा है, आपका भय खत्म हो गया है, जो चीजें आपको पहले सताती थी उन चीजों से अब आपको डर नहीं लग रहा है, जिन चीजों की बात सुनकर पहले आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे, अब वो चीजें आपको परेशान नहीं कर रही हैं, तो भी हम ये मान सकते हैं कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो रही है। अगर डर खत्म हो गया है आपके अंदर से, टेंशन खत्म हो गई है, तो भी कहीं ना कहीं हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप 5वें संकेत की बात करें तो देखिए, कुछ लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है,
अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो गुस्सा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, आपको पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, पहले छोटी छोटी बातों पे आप नाराज हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, लेकिन अभी आपका गुस्सा जो है वो कम होने लग गया है, तो भी इससे हम ये मान सकते हैं कि जो हनुमान जी है उनकी कृपा आपको मिल रही है और हनुमान जी आपकी कहीं ना कहीं रक्षा कर रहे हैं। देखिए, क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, ये सब कहीं ना कहीं तब होता है जब हनुमान जी हमारे से उतने ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। अगर आपको क्रोध में आना बंद हो गया, यानी कि हनुमान जी कहीं ना कहीं आपकी रक्षा कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपके मन में प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्रोध कम होता है तो देखिए प्रेम बढ़ जाता है, तो प्रेम अगर आपके मन में बढ़ गया है, भक्ति आपके अंदर बढ़ गई है, पूजा पाठ में रुचि आपकी बढ़ गई है, तो भी इसे मान सकते हैं कि जो हनुमान जी हैं उनकी कृपा आपको प्राप्त हो रही है, हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। अभी जैसे छठे संकेत की बात करते हैं, तो देखिए छठा संकेत यानी कि अगर आपके अंदर बहादुरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पहले आप अगर कोई काम करने में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता था, लेकिन आपको कुछ काम कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस आने लग गया है, आपके अंदर जो वीरता है, बहादुरी है, वो बढ़ गई है, पहले आपको काम करने से किसी से हिचकिचाते थे, लेकिन अभी आप तुरंत वो काम कर देते हैं, तो इस तरह का भी अगर होता है तो भी हनुमान जी की कृपा हम मान सकते हैं कि आपको मिल रही है, क्योंकि हनुमान जी अगर आपके ऊपर प्रसन्न है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपका स्टैमिना बढ़ जाता है, आपकी ताकत बढ़ जाती है, वीरता बढ़ जाती है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, वो बढ़ जाता है। तो अगर आपके अंदर ये सब क्वालिटीज इंप्रूव हो रही है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है, आपके अंदर ताकत बढ़ रही है, आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो भी कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि हनुमान जी जो है उनकी कृपा आपको प्राप्त हो रही है। तो ये छह संकेत के ऊपर हमने बात करी। अभी जो सातवां संकेत है उसके ऊपर अगर हम बात करें, तो देखिए अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित चल रहे थे और आपकी जो बीमारी है अब धीरे धीरे वो आप स्वस्थ होते जा रहे हैं और आपकी जो बीमारियां हैं वो खत्म होती जा रही हैं, तो भी हम मान सकते हैं कि हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न हैं और उनकी कृपा आपको प्राप्त हो रही है। क्योंकि देखिए जो बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं मंगल देव से कनेक्टेड होती हैं और मंगल बीमारियों के कारक होते हैं, तो अगर हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो रही है यानी कि मंगल आपके अच्छे हो रहे हैं और आपकी जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे आपके कम होने चालू हो जाएंगी। तो अगर आप एक बीमार जीवन पहले जी रहे थे, अभी आप एक स्वस्थ जीवन जीने लग गए हैं, तो भी आप मान सकते हैं कि हनुमान जी जो है आपसे प्रसन्न है, हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि हमारा 40 डेज का हनुमान चालीसा चैलेंज ज्वाइन करिए, आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा 40 दिन हनुमान चालीसा पढ़ के। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो हम आपके लिए और लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी पता कर सके हनुमान जी की ब्लेसिंग्स उन्हें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।